हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस नए चैनल टारगेट सेमेस्टर LU यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी पर। सेमेस्टर एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हैं और सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम यहां पर होने वाले हैं, जिनके लिए कुछ MCQs की हम जो सीरीज़ लाए हैं वो करा रहे हैं आपको। इसी क्रम में आज हम इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है उसके कुछ यहाँ पर MCQ देखेंगे पहले चैप्टर की, ठीक है। तो पहला चैप्टर आज यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड, ठीक है। तो है कृषि उत्पादन विकास एवं संरचना यानी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, ग्रोथ है और स्ट्रक्चर, उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ MCQs इसके लेते हुए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है MCQ बेस्ड इस बार आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें अपनी प्रिपरेशन को जारी रखने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि से आजीविका प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लगभग 55%, ठीक है, यानी 55%। दरअसल कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, एक ऐसी जनसंख्या का ऐसा भाग जो कार्य में संलग्न है, मतलब कार्य में लगा हुआ है, ठीक है, बेरोजगार नहीं है, जो कार्य कर रहा है, जिसको रोजगार मिला हुआ है। अगला है, और कार्यशील जनसंख्या की एक आयु सीमा होती है, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या अगर सामान्यतः देखा जाए तो 15 से लेकर के 59 वर्ष तक मानी जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि 15 से 59 वर्ष अगर पूछ ले कि कार्यशील जनसंख्या का मतलब टाइम क्या रहता है, तो 15 से लेकर के 59 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादन में खाद्यान्न फसल तथा व्यावसायिक फसल का अनुपात है, क्या अनुपात है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65:35, ठीक है, 65:35। अगला है कि भारत के सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 16.1%, यानी 16.1% भारत के सकल मूल्य वर्धन में, ठीक है। अगला है कि भारत में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत है, मतलब भारत में जितना भी आपको यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र दिखता है उस क्षेत्रफल का टोटल, ऐसा कौन सा क्षेत्र, कितने प्रतिशत क्षेत्र है जहाँ पर केवल वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30%, यानी कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल पर लेकर के अगर तुलना की जाए तो 30% ऐसा भाग है जहाँ पर वन क्षेत्र आपके पाए जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है कि देश में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वर्ष 2018-19 में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर, ठीक है, कितने प्रतिशत थी। स्थिर कीमतों का मतलब क्या होता है, जो आपकी आधार वर्ष की कीमतें मानी जाती हैं, ठीक है। हो सकता है कि कीमतों को स्थिर इसलिए माना जाता है क्योंकि आने वाले समय में जब कीमतें बढ़ेंगी तो वो एक मतलब वो अकाल्पनिक तौर पर भी बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं GDP का या सकल घरेलू उत्पाद का। तो इस वजह से एक कीमत को स्थिर माना जाता है, उस कीमत स्थिर यानी आधार वर्ष की कीमत को स्थिर मान करके उस पर जितना प्रोडक्शन हुआ होता है उसको ऐड किया जाता है, पर कितने प्रतिशत थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.8%, यानी 6.8%। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में GVA में वृद्धि दर वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में कितना था। सेम उसी तरीके से पूछ रहा है यहाँ पर स्थिर कीमतों को मान करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.6%, 6.6%। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि 10वीं कृषि गणना के अनुसार वर्ष 2015-16 में परिचालनात्मक कृषि जोतों की संख्या में सीमांत एवं लघु जोतों का प्रतिशत हिस्सा था, कितना प्रतिशत हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 86%, यानी कि 86%, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 10वीं कृषि गणना के अनुसार देश की परिचालनात्मक कृषि क्षेत्र की जोतों के कुल क्षेत्रफल में सीमांत एवं लघु जोतों का योगदान प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ पर 10वीं कृषि गणना के अनुसार 2015-16 में परिचालनात्मक कृषि जोतों की संख्या में सीमांत लघु जोतों का प्रतिशत हिस्सा पूछा, और यहाँ पर सेम 10वीं कृषि जनगणना कृषि गणना के अनुसार देश की प्रजा कृषि क्षेत्र के जोतों की कुल क्षेत्रफल में सीमांत और लघु जोतों का योगदान प्रतिशत पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, लगभग 48%, ठीक है। अगला है कि 10वीं कृषि गणना 2015-16 के अनुसार देश के कुल परिचालन में कृषि जोतों की संख्या है कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
146 मिलियन, ठीक है 146 मिलियन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि वर्ष 2016-17 में देश में बागवानी फसलों के अधीन भू क्षेत्रफल था, कितना बागवानी फसलें जो होती हैं उसके अधीन यहाँ पर भू क्षेत्रफल था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 मिलियन हेक्टर, यानी 25 मिलियन हेक्टर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पहला चैप्टर था कृषि उत्पादन विकास एवं संरचना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी रिलेटेड वीडियो सेमेस्टर एग्जाम से पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे बड़ी बात बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप LU में सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक आपको परमानेंट यहाँ पर दिए जाते रहेंगे टाइम टू टाइम, और साथ ही कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड होता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट आपको नहीं करनी। टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा।